नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैराडॉक्स के बारे में, और ये पैराडॉक्स क्या होता है उससे पहले हम ये बता दें आप लोगों को कि अभी तक हम लोग फिगर ऑफ स्पीच पढ़ रहे थे, और उस फिगर ऑफ स्पीच में हमने 7 प्रकार के एक पार्ट में हमने वीडियो बनाया और आप लोगों को समझाया, और आप लोगों ने उसको बड़े अच्छे से समझा। उसके बाद हमने क्या किया कि एक एक सीरीज उठा करके हर एक फिगर ऑफ स्पीच को हम आप लोगों को सामने लेकर के आ रहे हैं। तो जिसमें एक पार्ट में हमने अभी पिछले वीडियो में आपका एलिट्रेशन के बारे में समझाया था, आज हम समझने वाले हैं पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच के बारे में कि ये क्या होते हैं, और आपके एग्जाम में अगर आता है तो आप इसको किस तरीके से पहचानते हैं। आइए इस बात को हम समझने वाले हैं, आज समझते हैं क्या होता है पैराडॉक्स। तो आप सबसे पहले हमें ये बताइए कि जो पैराडॉक्स होता है, पैराडॉक्स से पहले आप लोग ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच पढ़े थे। हमने बताया था कि ऑक्सीमोरॉन जो फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें क्या किया जाता है या फिर उसको हम किस तरीके से पहचानते हैं। तो उसमें कहीं ना कहीं हमें अपोजिट वर्ड्स दिखाई दे रहे थे, एक दूसरे के विपरीत वर्ड्स आए हुए थे, और उसको देख करके हम पहचान पा रहे थे। तो सेम पैराडॉक्स भी वैसा ही होता है। इसमें भी आपके ये देख पा रहे होंगे लिखा गया है कि पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट इटसेल्फ, यानी कि जो पैराडॉक्स होता है वो एक स्टेटमेंट होता है जो एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉन्ट्राडिक्ट होते हैं, मतलब एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। तो अभी मन में कंफ्यूजन हुआ होगा आप लोगों को कि ऑक्सीमोरॉन में भी सेम था कि वो एक दूसरे के अपोजिट वर्ड आ रहे थे, और यहाँ पर भी क्या दिखाई दे रहा है कि अपोजिट आएंगे, लेकिन उसमें क्या था कि बस केवल अपोजिट आ रहा था। जैसे उसमें अगर एग्जांपल आप लोगों को याद होगा तो ये याद होगा, एक दिया गया था सी इज एन इनोसेंट, सी इज एन इनोसेंट क्रिमिनल। मान लीजिए ये एग्जांपल है कि वह क्या है, एक मासूम अपराधी है। क्या था उसमें कि सी इज एन इनोसेंट क्रिमिनल, यानी कि वह एक मासूम क्रिमिनल है। तो उसमें हमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स जो आए थे आप लोगों को देखने को मिला था, तो यहाँ पर इनोसेंट और यहाँ पर क्रिमिनल, यानी कि दोनों पास पास में दिखाई दे रहे हैं। जो अपोजिट वर्ड आए हैं वो दोनों पास में दिखाई देंगे यहाँ पर। जैसे आप देख पा रहे होंगे सी एज इनोसेंट क्रिमिनल, वह एक मासूम अपराधी है। ठीक, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को याद होगा तो याद होगा, एक और एग्जाम्पल था दिस इज एन ओपन सीक्रेट, दिस इज एन ओपन सीक्रेट। आप लोगों को ऐसा एग्जाम्पल दिखाई दे रहा था किसमें, अब देखिए यहाँ पर ओपन भी आ गया और ये सीक्रेट भी आ गया, यानी कि खुला भी है और रहस्य भी है। तो ऐसा हम इन दोनों एग्जाम्पल को ऑक्सीमोरॉन वाले भी समझाए थे कि ये क्या होते हैं, तो आप लोग बड़े अच्छे से इसको समझे थे, पहचाने थे। लेकिन इसमें भी क्या होता है, वही होता है, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। लेकिन इस वाले में जो एग्जाम्पल आपको दिखाई देंगे, कहीं ना कहीं उसको आप अगर डीपली देखेंगे, आप उसको अगर समझेंगे गहराई से, तो आपको कहीं ना कहीं उसकी एक मीनिंग पता चलेगी, आपको उसमें एक फैक्ट दिखाई देगा। ठीक है, यही अंतर होता है पैराडॉक्स में। पैराडॉक्स में एक फैक्ट दिखाई देता है, लेकिन जो ऑक्सीमोरॉन वाले थे उसमें कोई फैक्ट नहीं होता, बस सिंपली कह दिया जाता है ऐसे ही कि वह एक मासूम अपराधी है, इसमें कोई फैक्ट नहीं है इसका। यहाँ पर जैसे आप एग्जाम्पल के, इसके पैराडॉक्स के एग्जाम्पल से समझें, दिया गया है डू द थिंग यू थिंक यू कैन नॉट डू। आप देख पा रहे होंगे क्या दिया गया है, डू द थिंग, डू मतलब करना, द थिंग यानी उन कामों को करो या फिर उन चीजों को करो यू थिंक यू कैन नॉट डू, जो आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते हैं। फिर से समझें, क्या कहा गया है कि उन चीजों को करो या फिर उन कामों को करो आपको लगता है कि जो आप यू कैन नॉट डू, जिसे आप नहीं कर सकते हैं, उन कामों को करें। तो यहां पर देखिए क्या कहा गया है कि डू द थिंग, यानी कि कामों को करने के लिए कह रहा है, चीजों को करने के लिए कह रहा है, और उन्हीं कामों को करने के लिए कह रहा है जो आप नहीं कर सकते हैं। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हुए कि नहीं हुए, एक स्टेटमेंट ये था और एक स्टेटमेंट ये था, और ये दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे के क्या है, कॉन्ट्राडिक्ट है, मतलब एक दूसरे के विपरीत है। लेकिन अगर देखा जाए इसकी डीपली से, अगर मीनिंग समझा जाए, तो क्या ये केवल कहने वाली बात है या फिर कहीं ना कहीं ये फैक्ट है। समझे कि उन कामों को करो आपको लगता है जो आप नहीं कर सकते हैं, बताइए फैक्ट है कि नहीं है कि आप जो नहीं कर सकते उन्हीं कामों को क्या करें। तो ये ऐसे अगर एग्जाम्पल दिखाई देंगे कॉन्ट्राडिक्ट वाले, तो वो भी कौन से किसके एग्जाम्पल होंगे, वो पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच के होंगे। ठीक है, सेकेंड वाला ये समझते हैं, दिया गया है सेव मनी बाय स्पेंडिंग इट।
अब देखिए क्या कहा गया है कि सेव मनी यानी कि पैसे को सेव करो, पैसे को बचाओ बाय स्पेंडिंग इट, यानी कि इसको क्या करके स्पेंड करके, स्पेंड का मतलब जानते हैं खर्च करना। अब इसमें आ गया कि यहाँ पर स्पेंडिंग भी आ गया है और यहाँ पर सेव भी आया हुआ है, दोनों एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट हो गए कि नहीं हो गए, हो गए कि पैसे को बचाओ लेकिन कैसे स्पेंड करके, खर्च करके। अब ये बात आप लोगों को नहीं समझ में आ रही होगी कि पैसे को बचाना भी है और खर्च करके बचाना, ये कैसे हो सकता है। लेकिन अगर डीपली से अगर इसकी हिंदी समझे जाए, मीनिंग समझे जाए, तो क्या होगा कि जैसे अगर पैसा है, अगर आप उसको अपने पास रखेगा रहेंगे तो वैसे ही पड़ा रहेगा, लेकिन अगर उसको स्पेंड करेंगे यानी कहीं ना कहीं आप उसको मार्केट में यूज करेंगे, मार्केट में लगाएंगे, उसको कहीं किसी काम में यूज करेंगे, तो वो धीरे धीरे क्या होगा, पैसा आपका बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा। तो वही कह रहा है कि पैसे को बचाओ लेकिन बाय स्पेंडिंग इट, उसको क्या करके, खर्च करके, उसको किसी काम में लगा करके, ताकि वो पैसा बचा भी रहे, उस पैसे से और भी पैसा बनाया जा सके। ये होती है इसकी ओरिजिनल मीनिंग, ठीक है। तो आपको पैराडॉक्स में दिखाई देगा, एक दूसरे के कॉन्ट्राडिक्ट दिखाई देंगे, पर इसकी जो अर्थ आएगा वो कहीं ना कहीं इसमें फैक्ट आपको देखने को जरूर मिलेगा, ठीक है। पर इसमें कोई फैक्ट नहीं दिखाई दे रहा था, और जो अपोजिट वर्ड्स थे, दो अलग अलग जो डिफरेंट वर्ड्स थे, वो सेम मतलब एक ही जगह पे आ रहे थे, किसमें, ऑक्सीमोरॉन वाले में, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल समझेगा, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड। अब देखिए क्या कहा गया, दिस इज द बिगिनिंग यानी कि यह बिगिनिंग है, बिगिनिंग का मतलब क्या होता है, शुरुआत, ऑफ द एंड, एंड का मतलब जानते हैं अंत, तो क्या कह रहा है कि यह अंत का क्या है, शुरुआत है, समझ पा रहे हैं। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द एंड यानी कि यह अंत का, एंड का क्या है, शुरुआत है, देख पा रहे होंगे ना, देखो अब यहां पर एंड भी आ गया और यहां पर क्या आ गया, बिगनिंग दिया गया। तो ऐसे ही अगर इसको देखा जाए तो इसमें आपको कहने के क्या दिखाई देगा, फैक्ट दिखाई देगा, यानी केवल बातें बताई नहीं गई हैं, आपको कहने के इसमें समझने का आपको कहने के इसमें फैक्ट मिलेगा, समझ आ गई बात। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं पैराडॉक्स के क्या होते हैं। देखिएगा फोर्थ एग्जाम्पल में क्या कह रहा है, इफ यू डोंट रिस्क एनीथिंग यू रिस्क एवरीथिंग। अब देखिएगा क्या कह रहा है कि इफ यू डोंट रिस्क एनीथिंग, यदि आप किसी भी चीज का रिस्क नहीं लेते हैं, यदि आप किसी भी चीज का खतरा नहीं लेते हैं, किसी भी चीज का रिस्क नहीं लेते हैं, तो यू रिस्क एवरीथिंग, तो इसका मतलब यह है कि आप सारी चीजों पर रिस्क लेते हैं। अब देखो उल्टा हो गई नहीं बात, यहां पर रिस्क एनीथिंग मतलब नेगेटिव वर्ड है, और यहां पर क्या हो गया, रिस्क एवरीथिंग हो गया, एनीथिंग का क्या हो गया, एवरीथिंग हो गया, यानी कि इफ यू डोंट रिस्क एनीथिंग, यदि आप किसी भी चीज पर खतरा नहीं लेते हैं, रिस्क नहीं लेते हैं, तो इसका मतलब आप सारी चीजों पर रिस्क लेते हैं। तो इसलिए कह रहा है कि मतलब हमें क्या करना चाहिए, रिस्क लेना चाहिए, तभी तो आगे बढ़ा जा सकता है। अगर हम रिस्क ही नहीं लेंगे तो हम क्या जानेंगे कि आगे कैसे काम करना होता है, क्या किससे मिलना जुलना होता है, कौन से काम कैसे करना होता है। तो रिस्क लेकर के ही क्या किया जा सकता है, आगे बढ़ा जा सकता है। बात समझ में आ गई। अगला क्या है, आई क्लोज माई आईज सो आई कैन सी। देखो क्या कह रहा है कि आई क्लोज माई आईज यानी कि मैंने अपनी आंखों को क्लोज किया, बंद किया, सो आई कैन सी, ताकि मैं क्या कर सकूं, देख सकूं। अब देखो आंखों को बंद करके क्या देखा जा सकता है, क्या आपको दिखाई देगा, अगर आप आंखें आप अपनी क्लोज कर लेते हैं, बंद कर लेते हैं, तो आपको सामने क्या दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना वैसे। लेकिन अगर आंखों को बंद कर दिया जाए तो क्या आपको दिखाई देगा, यानी कि जो पास्ट के बीते हुए मेमोरीज है, या फिर कुछ ऐसी चीजें जो आप मेमोराइज करना चाहते हैं, जिससे आप याद करना चाहते हैं, तो आंखों को बंद करके ही तो आप याद करते ही नहीं याद करते हैं। तो कहीं के ये भी एक फैक्ट है कि नहीं है, बताइए जरा, फैक्ट है ना। तो ये भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पैराडॉक्स होगा, ठीक है। अगला क्या है, लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस। क्या कह रहा है, लिसन टू द साउंड ऑफ साइलेंस यानी कि सुनो, क्या सुनो, साउंड सुनो, किसकी सुनो, साइलेंस की। देखो साउंड यहां पर आ गया और यहां पर साइलेंस आ गया, दोनों अपोजिट वर्ड है। साउंड ऑफ साइलेंस यानी कि साइलेंस के साउंड को सुनो, यानी कि मन को एकाग्र करके शांति से बैठो, उसकी गहराई को समझो, फैक्ट आया हुआ है इसमें भी। तो ये भी कौन सा फिगर ऑफ स्पीच होगा, पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच होगा। आगे क्या है, लेस इज मोर। लेस ही क्या होता है, मोर होता है, यानी कि थोड़ा ही ज्यादा होता है। बहुत बड़ी बात कह गई ना, ये भी एक फैक्ट है कि नहीं, कि थोड़ा ही क्या होता है, ज्यादा होता है, थोड़ी से ही एक शुरुआत होती है, थोड़ा ही क्या होता है, मोर होता है, ज्यादा होता है। तो ये एक शुरुआत है कि नहीं, बताइए जरा। तो ऐसे ही आपको क्या दिखाई देंगे, ये जो ऐसे एग्जाम्पल दिखाई देंगे आपको, कहीं कहीं उसमें फैक्ट दिखाई देंगे, और सेंटेंस में या फिर फ्रेज में आपको अगर कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स या फिर कॉन्ट्राडिक्टरी फ्रेज दिखाई दे रहे हैं, तो वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच कहलाएंगे, पैराडॉक्स फिगर ऑफ स्पीच कहलाएंगे। आप लोगों को बातें समझ में आ गई। और अगर पैराडॉक्स के एग्जाम्पल आप लोगों को मालूम है, और भी ज्यादा मालूम है, तो आप कॉमेंट करके हमें बता सकते हैं।
ठीक है। और अगर बाय द वे किसी और फिगर ऑफ स्पीच के बारे में जानना चाहते हैं, जिस भी फिगर ऑफ स्पीच के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम उस फिगर ऑफ स्पीच के बारे में इंडिविजुअली आपको समझा देंगे। ठीक है, आइए एक और फिगर ऑफ स्पीच इसी में हम समझ लेते हैं क्या होता है। देखिएगा अगला फिगर ऑफ स्पीच क्या है, यूफेमिज्म। क्या है अगला फिगर ऑफ स्पीच, यूफेमिज्म। अब ये यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच क्या होता है, ये आप लोग देख करके ही बता सकते हैं, आप लोग बस एक बार समझ जाएंगे यूफेमिज्म होता क्या है। जैसे अगर किसी को डायरेक्ट कोई बात कह दी जाती है तो खराब लग जाता है। जैसे अगर मान लीजिए कि अगर वो अंधा है, कोई इंसान अंधा है, तो उसको हम कह देंगे कि अरे अंधर, या फिर अंधा व्यक्ति तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यानी अंधे को अगर हम अंधा कह देंगे तो अंधे वाले व्यक्ति को क्या लगेगा, बुरा लग जाएगा। अगर कोई काला इंसान है तो उसको हम कह देंगे काला व्यक्ति, अरे करिया तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो उसको भी जो हम अगर काला व्यक्ति कह रहे हैं तो उसको भी क्या लगेगा, बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा। लंगड़ा व्यक्ति अगर हम उसको लंगड़ा कह देंगे तो खराब लगेगा कि नहीं लगेगा। कोई मोटा व्यक्ति है तो अगर हम कह देंगे मोटका, तो बताइए खराब लगेगा कि नहीं लगेगा। तो ऐसे ही वर्ड्स इस यूफेमिज्म में ऐसे ही वर्ड्स होते हैं जिनको मतलब जो ऑफेंसिव होते हैं। क्या कहा गया, देखिएगा यहाँ पे, इट इज अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच, यानी कि एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जिसमें अ प्लीजेंट वर्ड आर फ्रेज यूज्ड, यानी कि एक प्लीजेंट वर्ड का प्रयोग किया जाता है, यानी कि एक अच्छा शब्द का प्रयोग किया जाता है या फिर फ्रेज का यूज किया जाता है, इंस्टेड ऑफ वन, मतलब ऐसे जगहों पर या फिर उस सेंटेंस में या उस वर्ड्स की जगह पर प्रयोग किया जाता है दैट इज अनप्लीजेंट या फिर ऑफेंसिव। जो क्या होता है, अनप्लीजेंट होता है यानी जो भद्दा होता है, बेकार होता है, अनप्लीजेंट होता है, और ऑफेंसिव होता है मतलब अपमानजनक वर्ड होते हैं। यानी कि जो गलत वर्ड होते हैं उसकी जगह पर हम रिप्लेस करके कुछ ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, करते हैं, जिसका मीनिंग भी सेम होता है लेकिन भद्दा नहीं लगता है, किसी को बुरा नहीं लगता सामने वाले को, ठीक है ना। आइए एग्जांपल समझते हैं। जैसे यहां पर दिया गया है आर्यन पास्ड अवे। अगर मान लीजिएगा कि कोई मतलब आपका साथी है, अगर उसके पिताजी गुजर गए, तो अगर आप कह देंगे कि अरे उसके पिताजी गुजर गए, उसके पिताजी मर गए, उसके पिताजी अगर हम क्या कह दिए डायरेक्ट उसको कि नहीं फलाने का जो लड़का था, लड़के का जो पिता था वो मर गए, तो मर गए जो कह रहे हैं तो वो थोड़ा सा ऑफेंसिव लग रहा है, आपत्तिजनक लग रहा है, अपमानजनक लग रहा है। तो उसको बनाने के लिए, उसी भाषा, उसी को कहने के लिए हमें क्या करना है, थोड़े से उसको चेंज करके अपने भाषा में व्यक्त करना है। जैसे हमने क्या कहा कि आर्यन पास्ड अवे, अगर हम इसको ऐसे लिख दें कि आर्यन डाइड, ठीक है, हमने क्या कहा आर्यन डाइड, आर्यन मर गया, तो ये थोड़ा सा ऑफेंसिव लगेगा, आपत्तिजनक लगेगा, अपमानजनक लगेगा। लेकिन अगर उसी को हम ऐसे कह दें कि आर्यन पास्ड अवे, यानी कि वो गुजर गया, पास्ड अवे हो गया, तो डाइड और पास्ड अवे का मतलब सेम होता है, लेकिन इसकी अपेक्षा ये वर्ड जो है वो कैसा लग रहा है, प्लीजेंट लग रहा है, अच्छा वर्ड लग रहा है, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सी इज ऑन द स्ट्रीट्स। अब यहां पर क्या कह रहे हैं कि सी इज ऑन द स्ट्रीट, इसका मतलब क्या है कि वो गली में है, गली पर है, इसका मतलब क्या है, सी इज ऑन द स्ट्रीट्स, इसका मतलब होता है क्या, आप समझ जाए, होमलेस होता है, और होमलेस को हिंदी में क्या कहते हैं, बेघर, ठीक है। अगर हम कह दें कि वो होमलेस है यानी कि बेघर है, तो उसको थोड़ा सा ऑकवर्ड फील होगा, उसको थोड़ा सा ऑफेंसिव लगेगा, अनप्लीजेंट लगेगा। लेकिन अगर हम उसको ऐसे ही कहते हैं कि सी इज ऑन द स्ट्रीट्स, तो क्या लगेगा, क्या वो समझ पाएगा, यानी कि इसी वर्ड को कहा गया है बेघर ही, यानी कि वो बेघर ही है, लेकिन हम उसको होमलेस ना कह करके क्या कह दिए, ऑन द स्ट्रीट्स कह दिए। बात वही कह जा रही है लेकिन घुमा करके कही जा रही है ताकि उसको सुनने में क्या लगे, अच्छा लगे। तो ऐसे वर्ड्स, अरे ऐसे जो सेंटेंस रहेंगे, फ्रेज रहेंगे, वो कौन से फिगर ऑफ स्पीच के रहेंगे, यूफेमिज्म के रहेंगे, ठीक है। एक और है, देख लेते हैं, टीना इज अ फुल फिगर्ड गर्ल। क्या लिखा गया है, जो टीना है वो फुल फिगर्ड गर्ल है। फुल फिगर्ड का मतलब क्या होता है, अगर हम कह दे कोई मोटा है, फैट, फुल फिगर्ड का मतलब क्या होता है, फैट। अगर हम कह दे कि टीना मोटी लड़की है, तो बताओ उसको भद्दा लगेगा नहीं लगेगा, उसको बेकार लगेगा कि नहीं लगेगा। लेकिन यहां पर क्या कहा गया, टीना इज अ फुल फिगर्ड गर्ल, यानी कि फुल फिगर्ड गर्ल है, तो उसको भी थोड़ा सा भद्दा नहीं लगेगा, है कि नहीं। अगर हम मोटा कह देंगे उसको तो भद्दा लगेगा, लेकिन फुल फिगर्ड गर्ल कह दिए तो सुनने में भी अच्छा लग रहा है और उसको भी अच्छा लगेगा। तो यही होता है, ऐसे ही वर्ड्स होते हैं, ऐसे ही सेंटेंस होते हैं, फ्रेज होते हैं, जो किसमें आते हैं, कौन से फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं, यूफेमिज्म फिगर ऑफ स्पीच में आते हैं। तो आई होप कि आप लोगों को यह जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। और अगर कोई भी फिगर ऑफ स्पीच आपको नहीं समझ में आ रहा है, फिर से हम कह दे रहे हैं कि जो भी फिगर ऑफ स्पीच अगर आपको नहीं समझ में आया है, तो आप कमेंट करिएगा, हम उस पर आपको पर्सनली वीडियो बना करके आपको समझा देंगे। और अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें।